Dear students, in this module, we're going to talk about the old age starting from 65 years. Elderly people often experience a decline in physical health and their mobility. At the same time, they are less involved in the professional activity. So, they may also experience changes in their social roles, such as retirement. और becoming grandparents. In many cultures, elderly people are respected and considered as a valuable source of wisdom and experience. जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो 65 फाइव प्लस जो लोग होते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो उसी तरह से फिज़िकली एक्टिव रहें उसी तरह से मोबाइल रहें जैसे कि वो इस एज से पहले थे हम आ, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम का मौका दें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इज्जत करें और उनको रिस्पेक्टेबल स्टेटस के ऊपर रखें ना कि उनको जो है उस प्रोडक्टिव पापुलेशन का हिस्सा समझें जिसके अंदर इंसान जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होता है इसके साथ साथ जो एक बड़ा चेंज आता है वो ये है कि आपका एक सोशल स्टेटस जो है वो पेरेंट्स से चेंज होकर ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ जाता है और ग्रैंड पेरेंट्स से भी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं जैसे कि हमारे माशरे के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आ, अपनी आ, जो फ़ैमिली होती है उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं ख़ास तौर तो पर अपने बेटे या बड़े बेटे के साथ रहना पसंद करते हैं और उनके बच्चों के साथ जो है वो अपनी लाइफ को गुजारना ज़्यादा बेहतर समझते हैं अगर हम वेस्ट की या वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एक कनेक्शन रखें लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहना उस तरह से पसंद नहीं करते डो नॉट डवेल इन द सेम हाउस तो सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस जो कि डिफरेंट होती हैं इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल है वो भी उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होता है हाउ एवर एल्डरली पीपल कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस एजिज़म विच इन्वॉल्व डिस्क्रमिनेशन और प्रेजडिस बेस्ड ऑन देर एज तो बाजूक ये होता है कि हम अंकॉन्शली uh, ना चाहते हुए भी जो है कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स uh, में uh, जो एजड लोग होते हैं उनको ये बावर करवा देते हैं कि शायद उनके एज फैक्टर की वजह से दे वुड भी अनएबल टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज़ एंड देर बाय दे फील दैमसेल्व डिप्राइव्ड एंड डिसक्रिमिनेटेड तो एजिज़म जो है ये ना सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है बल्कि इसके हवाले से पोटेंशियली उनके लिए जो है सोशल इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हो जाती हैं लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एज जो है या एजिज़म जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी होता है इसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी हम पाकिस्तानी माशरे के अंदर ऑब्जर्व करते हैं जैसे उनकी इज़्ज़त बढ़ जाती है उनका रुतबा बढ़ जाता है और उनको ग्रैंड चिल्ड्रन की फॉर्म में जो है अपने साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत से बच्चे भी मिल जाते हैं और ना सिर्फ के वो उस घर के अंदर अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं बल्कि वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो भी उनके अंदर पैदा हो सकती है तो इन नटशल जो एजिज्म है सिक्सटी फाइव प्लस ये डिपेंड करता है कि किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर है और लोगों की इसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं